तमिलनाडु में अफवाहों का बाजार गर्म था। इस कदर अफवाह थी कि लोग तमिलनाडु को छोड़कर अपने अपने घर लौट रहे थे। बाद में क्या हुआ, पता चला कि सारी खबरें झूठी है, अफवाह है। इस अफवाह के खेल में कुछ तथाकथित स्वघोषित पत्रकार चुंगुल में आए हैं और वहीं पर जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोग दावा यह भी करते हैं कि विदेश में जितने भी बिहारी मजदूर हैं उनके साथ काफी अत्याचार होता है, उनकी जितनी सैलरी होती है वो नहीं मिलती है, पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है, उससे छुट्टी नहीं मिलती है। अभी गल्फ कंट्री के कतर से जुड़े हुए हैं सरफराज आलम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद देवेंद्र जी, जनमंच न्यूज के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सरफराज आलम जी, आपका पूरा परिचय क्या हुआ, आप कतर में करते क्या हैं? मेरा नाम एमडी सरफराज आलम हुआ, मैं बिहार के अररिया जिले से रहने वाला हूं और मैं यहां पे कतर 2016 में मैंने आया था। मैं यहां पे एक इंटरनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट मैनेजर के पोस्ट पे मैं काम करता हूं। तो आप तमिलनाडु में जिस तरह से माहौल बना था उससे तो आप अवगत ही होंगे। जी जी जी, वो सारी कुछ मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी, बट मैंने तमिलनाडु के बहुत सारे दोस्तों से भी मैंने कनेक्ट किया था, बातचीत हुई थी मेरी, लेकिन वो सारी बातें अफवाह थी, तो सोशल मीडिया पे इसको एक अफवाह के तौर पे इसको फैलाया गया। अच्छा, तो मैं यह जानना चाहता हूँ, जब मजदूरों की बात आती है, जब बिहारी की बात आती है, तो आपके दिमाग में बात सामने पहले क्या आती है? नहीं, मजदूरों की बात आती तो इसके लिए मैं हमेशा इस चीज को देखता हूँ कि मजदूर भाई हमारे जहाँ भी रहते हैं, इंडिया ही नहीं विदेश में जहाँ भी रहते हैं, वो लोग सब सेफ रहते हैं। अच्छा, जहाँ आप रहते हैं अभी फिलहाल कतर में, वहाँ पे बिहारी मजदूरों के साथ क्या क्या होता है? यहाँ पे बिहारी मजदूरों के साथ कुछ नहीं, यहाँ पे जितने भी देश के लोग रहते हैं सब सुरक्षित रहते हैं, यहाँ पे किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी वगैरह सब कुछ एक टाइम पे है, 3 से 4 तारीख के बीच में सारे कंपनी अपने अपने एम्प्लॉयर्स को सैलरी दे देती है। यार, सैलरी को लेकर वहाँ पक्षपात किया जाता है क्या कि आप नहीं, बिहार नहीं, से हैं, झारखंड से हैं, यूपी से हैं, यहाँ से वहाँ से अलग अलग मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं सबको एक टाइम पे ही सैलरी प्रोवाइड की जाती है। जो पे स्केल आपका होगा वो सबका वही होता होगा ना? नहीं, सबके अलग अलग है, सबके कामों को लेकर के वो काम पे डिपेंड करता है, लेकिन पे स्केल में तो उसमें तो कुछ पक्षपात तो नहीं होता होगा? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं है, सबके लिए बराबर है। अच्छा, कुछ लोग डरते हैं सरफराज जी विदेश जाने से, उनको लगता है कि मैं विदेश जाऊंगा तो लौट कर नहीं आ पाऊंगा, ऐसा कुछ माहौल है वहाँ पर क्या? नहीं नहीं नहीं, गल्फ के जितने भी कंट्री है, सारे कंट्री में आप जाए, यहाँ पे कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपका जब मन हुआ आप घर जा सकते हैं, अपने देश जा सकते हैं, आपका पासपोर्ट आपके साथ में हमेशा रहता है, और उसके बाद आपको एग्जिट परमिट की कंपनी से परमिशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे जो मजदूर लोग काम करते हैं, आप भी भारतीय प्रवासी हैं और साथ साथ बिहार प्रवासी हैं आप, वहाँ पर किस तरह से, वहाँ पे मेडिकल सिस्टम है, पुलिस व्यवस्था है, वहाँ किस तरह से चीजें काम करती है? यहाँ की अगर मैं कानून व्यवस्था की बात करूँ तो यहाँ पे कानून व्यवस्था एकदम जबरदस्त है, यहाँ पे कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप पुलिस को फोन करें, पुलिस तुरंत आएगी और आपको हॉस्पिटल लेके जाएगी, आपका सारा ट्रीटमेंट फ्री में किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर कुछ बड़ा घटना हो जाती है तो आप एयर एम्बुलेंस को आप कॉल करेंगे तो वो भी आपको फ्री में आकर के आपको लेकर के जाएगी, आपको अच्छे से इलाज करेगी। एयर एम्बुलेंस क्या व्यवस्था देती है? एयर एम्बुलेंस से यहाँ से आप जहाँ पे एक्सीडेंट किए हैं वहाँ से आप एयर एम्बुलेंस वाले को, उसका टोल फ्री नंबर है, आप उस पे कॉल करें, आप लोकेशन वगैरह सब कुछ उसको बताएं, वो वहाँ से तुरंत में ही आता है, तुरंत वहाँ से ले चला जाता है मरीज को, तुरंत में आता है। और यहाँ पे आपको कंपनी, बहुत सारे कंपनी में कम से कम सारे लोगों की आपको सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन यहाँ पे जितने भी है उसकी कम से कम 40 से 50 हजार रुपये एक लोगों की सैलरी होती है।
और ये मैं आपको मिनिमम सैलरी मैं बता रहा हूँ आपको। आप कब से काम कर रहे हैं वहाँ पे? मैं 2016 से यहाँ पे मैं कतर में रहता हूँ। 2012 में मेरे भैया आए थे तो मुझे भैया ने ही मुझे यहाँ पे बुलाया था और मैं यहाँ पे काफी दिनों से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा, कभी किसी भी चीज को लेके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम कभी भी मुझे नहीं हुआ। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे हम, जिस तरह से बिहार में माहौल बनाया गया है, मजदूरों के साथ बहुत ही ज्यादती होती है, क्या विदेशों में ऐसा भी देखने को मिलता है क्या? कभी महसूस रह रहे? नहीं नहीं, विदेश में कुछ नहीं है, यहाँ पे कानून एकदम टाइट है। यहाँ पे कभी भी आपको किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है, यहाँ पे चोरी नहीं होती है, यहाँ पे किसी तरह का क्राइम नहीं होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप रात के 12 बजे अगर कोई किसी भी देश का व्यक्ति अगर यहाँ पे घूमता हो तो उसे कोई छू भी नहीं सकता है। अच्छा, आप विदेश में बैठे हुए हैं, वहां से भारत को के साथ साथ बिहार को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मैं तो यही देखता हूँ कि बिहार में बिहार के लोग भी यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, और उसके बाद बिहार में मजदूर तो जिस तरह से वहाँ पे सारे मजदूर देख रहे हैं, बाहर दिल्ली जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, अन्य राज्यों में जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग अपना काम अच्छे से करते हैं, तो बिहारी मजदूर भाई सब अच्छे हैं। नहीं, यहाँ जो मैं जानना चाह रहा था आपसे, वो आपसे मैं सुनना चाह रहा हूँ, जो माहौल बना हुआ हमारे देश में बिहार में, कुछ स्वघोषित पत्रकार माहौल बना दिए हैं बिहार में, बिहार की छवि को धूमिल कर रहे हैं वो लोग जानबूझकर वीडियो वायरल कर रहे हैं, क्या इस तरह का चीजें अन्य गल्फ कंट्री में देखने को मिलता है क्या? नहीं नहीं देवेंद्र जी, अगर मैं गल्फ कंट्री की बात करूं तो गल्फ कंट्री में इन सब चीजों को नहीं देखने को मिलती है, 1% भी यहां पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं एक बात, आप विदेश में रहते हैं तो वहां पर लोग आपको बिहारी बोलते हैं या फिर भारतीय? यहाँ पे लोग भारतीय ही बोलते हैं। भारतीय बोलते हैं? जी जी जी। जब आप सुनते हैं बिहारी, मन में क्या आता है? बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरे बिहार के भाई आज मिल गए हैं, तो गले मिलता हूँ उसके साथ में, फिर लेके जाता हूँ चाय वाय जो अपना होता है, एक अपना फ्रेंड की तरह उसके साथ हम लोग उस तरह से रहते हैं, तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। सबसे पहली बात यह है, यानी जो बातें हो रही है भारत में कि गल्फ कंट्री में जिस तरह से वहां पे लोग काम करते हैं, मजदूरों के साथ जो अत्याचार होता है, उसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? देखिए, यहाँ पे तो मैं अगर देखता हूँ तो गल्फ में किसी भी लोगों के साथ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसको एक जो है मुद्दा बनाया जाता है, एक सोशल मीडिया पे इसको व्यूज पाने के लिए तरह तरह के लोग तरह तरह से न्यूज प्रसारित करते हैं। जी हाँ। और मैंने यहाँ पे मैंने बहुत सारे पत्रकारों की मैंने एक चीज देखी थी, तो उन्होंने अपने लाइव सेशन में कुछ बोल रहे थे कि गल्फ के सारे कंट्री में मजदूर लोगों का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, उसे आने नहीं दिया जाता है, इस तरह की लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रहता हूँ तो यहाँ पे किसी को कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लोग एक जो है कुछ इस तरह के पत्रकार है तथा कथित, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप भी भली भांति सारे लोग जानते होंगे, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो जो भी है उसको पुलिस प्रशासन देखेगी। जी हाँ, ये तो प्रशासनिक मामला है और प्रशासन बिना सबूत के कुछ काम नहीं करती है, सबूत सामने है और ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा नहीं होगा जो स्वघोषित पत्रकार है, लेकिन यथार्थ यही है, सच सच होना चाहिए, सच को अफवाह नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह से माहौल बना है, अफवाह बनाकर लोगों को बड़गलाया गया, ये सौभाग्य नहीं है। जी जी। अच्छा सरफराज जी, आप तो काफी दिनों से रह रहे हैं कतर में, जिस तरह से भारत में मीडिया अफवाहों का बाजार गर्म करती है, क्या इसी तरह कतर में भी होता है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे इस तरह की कोई चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं तो 2016 से यहाँ पे देवेंद्र जी रहता हूँ, आज तक मैंने कोई क्राइम को यहाँ पे नहीं देखा, आज तक मैंने यहाँ पे एक दूसरे के साथ किसी को लड़ते हुए मैंने नहीं देखा। अगर आपके साथ किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप तुरंत आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं,
अगर आपको कंपनी सैलरी नहीं देती है तो आप आपके लिए लेबर कोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, आप वहाँ पे जाए आपको 100% आपकी हेल्प की जाएगी तुरंत में। जी तो दर्शकों, आप लगातार देख रहे हैं मोहम्मद सरफराज आलम जी को, जो खुद बोल रहे हैं वहां पे कानून व्यवस्था के बारे में काफी टाइट है। आज तक उन्होंने क्राइम नहीं देखा है, और बात किया जाए मेडिकल हेल्प की, तुरंत मेडिकल हेल्प मिल जाती है। कोई भी आदमी रोड पे मर रहा हो, अगर उसे सूचना मिल जाए वहां के अधिकारी को, तुरंत पहुंच जाती है, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है ताकि उनका जान। देवेंद्र जी, यहाँ पे और एक बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि अगर आप गाड़ी से आपके कहीं पे एक्सीडेंट हो जाती है, तो अगर आप 50,000 रुपए का गाड़ी लेकर के आप किसी 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के गाड़ी पे आप अपने गलती से अगर आपकी एक्सीडेंट हो जाती है, तो गाड़ी वाला आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा। तो पुलिस आएगी, और उसके बाद पुलिस आएगी आपसे, पुलिस पूछेगी किसका गलती है। अगर मेरी गलती है तो मैं बता दूंगा कि मेरी गलती है, तो उसमें और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं यह जानना चाहूंगा आपसे, अगर वहां पर किसी पीड़ित को न्याय चाहिए तो कितने दिनों में न्याय मिल जाता है वहां पर? यहाँ पे अगर न्याय की मैं बात करूं तो यहाँ पे न्याय बहुत ही कम समय में यहाँ पे लोगों को न्याय मिल जाता है। झमेला है जो रहता है इंडिया में, वो सब रहता है वहां पर क्या? नहीं 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 नहीं, वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे किसी भी देश के लोग आएंगे, कहीं पे भी रहेंगे, किसी को कोई मारपीट करने वाला किसी के साथ कुछ नहीं है। अगर आप रोड पे, अगर मैं बता दूं, यहाँ पे अगर 1,00,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000 रुपए भी अगर गिरे हुए होते हैं तो कोई उसको देखने वाला नहीं है, कोई उठाएगा नहीं। मैं खुद नहीं उठाऊंगा, और सारे लोग इसी तरह से चलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दुकान, सारी की सारी दुकानें खुली हुई रहती है, लंच के टाइम में लोग जाते हैं लंच करने के लिए, दुकान का शटर सबका ओपन ही होता है। जी हाँ, जैसा कि मैं आप जो वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि किस तरह से विदेश में हमारे भाई बंधु रहते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारा भारत कितना पीछे है, और उसके साथ साथ बिहार कितना गर्त में है। और देवेंद्र जी, मैं भारत को आगे लाना है तो दूसरे देशों से सीखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं कि बुराई करते हैं, कि शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लेकिन सच सामने है। सरफराज जी, क्या आप अपने पीछे के थोड़ा सा तस्वीर दिखा सकते हैं, बैकग्राउंड में क्या क्या है, दर्शक देखना चाहते हैं? मैं आपको पीछे वाले कैमरे से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं देवेंद्र जी, यहाँ पे सारे लोग रहते हैं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, सारे देशों के लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये मस्जिद है, यहाँ पे इधर का मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ। ये बहुत बड़ी ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे कोई तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और उसके बाद ट्रैफिक, यहाँ ट्रैफिक नियम के अगर यहाँ का मैं बात करूँ तो यहाँ की ट्रैफिक नियम बहुत अच्छी है, बहुत टाइट भी है। अच्छा, तो यानी अगर आप सिग्नल, अगर आप रेड सिग्नल में आप अगर गाड़ी लेकर के जाते हैं तो यहाँ पे आपको 5,000 से 6,000 रियाल का फाइन होता है। तो वो आपको एक महीने के अंदर में आप अगर उसको पे करते हैं तो आपको 50% देना होता है। अगर आप एक महीने के बाद अगर आप उसको पे करते हैं तो आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए, अगर आप ट्रैफिक वायलेशन का जितना भी उसका फाइन है, अगर आप एक महीने में नहीं उसको आप जमा करते हैं, तो अगर आप सोचते हैं कि नहीं चलो हम इसको नहीं जमा करेंगे, तो फिर बाद में आप जब गाड़ी को आप कैंसिल करेंगे तो उस टाइम में आपसे सारे फाइन को लिया जाएगा। चलिए चलिए चलिए, बहुत ही आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और आप जनमंच से जुड़े इसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया। तो आपने पूरी बात बताई, और आशा करेंगे कि फिर हम आपसे जुड़े और भी कुछ जानकारियां लें, क्योंकि भारत में काफी माहौल खराब है, यहाँ पर लोग धर्म में पिसे हुए हैं, जात में पिसे हुए हैं, और कुछ लोगों को समझ भी नहीं आता है कि किस पॉइंट पर बात करें। असली मुद्दा कतर जैसे देशों से सीखना चाहिए, जो मुद्दा है बेरोजगारी का,
कानून व्यवस्था का, ट्रैफिक व्यवस्था का सब बढ़िया है, उसी तरह से भारत में होनी चाहिए, इस चीजों पर बातचीत नहीं होती है। बस मजदूरों को कैसे बरगलाया जाए, कुछ लोग कहते हैं मजदूरों का नेता है, मजदूरों का मसीहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि जो बिहारी मजदूर होते हैं जो विदेश में रहते हैं, एक ही कमरा में 20 से 30 लोग रहते हैं, ये कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं देवेंद्र जी, अगर मैं यहाँ पे इस चीज को दिखाऊं तो यहाँ पे एक कमरे में 4 लोग ही रहते हैं। और अच्छा, लोग किस तरह से रहते हैं, मैं यहाँ पे कुछ लोगों का कमरे में आपको दिखाता हूँ ओपन करके। एक मिनट आप लाइन पे बने रहे, मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ सरफराज जी, आपको दिखा रहे हैं तस्वीर कतर से। जो लोग दावा करते हैं कि मजदूर जो लोग होते हैं एक कमरे में 30 से 40 लोग रहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं। और सरफराज आलम जी जो है, सरफराज आलम जी पूरे तस्वीर को दिखा रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत कमरा, शांति माहौल, इस तरह से लोग यहाँ पे रहते हैं। सरफराज जी आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर मजदूर लोग रहते हैं और कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। लोग कमाने के लिए गए हैं, 2 रुपया कमाने के लिए गए हैं, 1 रुपया बचाने के लिए गए हैं। लोग काम कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं और देश का, हमारे भारत देश का GDP बढ़ रहा है। जी हाँ, आपको यहाँ पे लोगों का यहाँ पे मैं आपको रूम दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए लोग किस तरह से रहते, यहाँ पे सारे लोग सिंगल सब रहते हैं। यहाँ पे देखिए आप, अच्छा जी आप यानी यहाँ पे रूम देखेंगे, यहाँ पे यानी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगी। मैं और भी रूम आपको खोल के दिखाता हूँ। नहीं काफी है, एक कमरा देख लिया काफी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे जुड़ेंगे हम, और भी अपडेट लेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर हर चीज दिखाना शुरू करेंगे तो। देखिए संक्षेप में बात यह है कि आप जो पैसा वहां पर कमाते हैं तो कुछ अंश आप इंडिया में भेजते हैं, इससे फायदा इंडिया को होता है, इंडिया के GDP बढ़ोतरी होती है। अगर आप लोग पैसा देना बंद कर देंगे तो फायदा क्या होगा सरकार को? एक तरफ से आप भारत के लिए रिसोर्स हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं पे लोग मजाक करते हैं कि तुम लोग विदेश ना जाओ। अरे भैया विदेश जाएगा स्वेच्छा है, इंसान कहीं भी जा सकता है, लेकिन मतलब अफवाहों का बाजार है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी निकल जाओ। लेकिन सच्चाई आज हमने सरफराज आलम जी के कैमरा से देखा है। सरफराज जी आपने समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी, मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। मैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो देश हित में इस वीडियो को वायरल कीजिए और बताइए कि विदेशों में हमारे मजदूर भाइयों के साथ क्या क्या होता है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।